हेलो सो so, इस वीडियो में हम सीखेंगे करेंसी डेप्रीसीशन का क्या मतलब होता है और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे कैसे फ़र्क पड़ता है एप्रिसिएशन और डप्रीसीन का लेट स्टार्ट चलिए सो अब हमें स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर टू जिसका नाम है करेंसी डेप्रीसी एंड एप्रीसीशन जो फॉरन एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं या तो करेंसी कोई डेप्रीशिएट होती है या फिर करेंसी अप्रीशिएट होती है तो इसको मीनिंग समझते हैं okay. so, हम यूजिंग एन एग्ज़ाम्पल ओके सो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल दैट इज़ इंडियन रुपीज़ टू यू एस डॉलर्स तो हम देखते हैं आज के टाइम पे जो डॉलर का रेट चल रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ सेवेंटी फाइव सो लेट्स से वन डॉलर इक्वल्स रुपीज़ सेवेंटी फाइव एंड ये वैल्यू चेंज होती रहती है तो लेट्स एक हफ़्ते बाद या कुछ दिनों बाद ये वैल्यू चेंज हो जाती है एंड दैट बिकम्स वन डॉलर इक्वल्स रुपीज सेवेंटी ये पहला केस सिनेरियो है ये वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है एंड जो सेकंड केस सिनेरियो हो सकता था वो हो सकता था अगर लेट से आज रेट चल रहा है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज सेवेंटी फाइव तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वैल्यू चेंज हो जाए और वैल्यू हो जाए वन डॉलर इक्वल्स रुपीज एटी नाव इनमें से एक है करेंसी डेप्रीसी एक है करेंसी एप्रिसिएशन द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज बच्चों को ना यूजुअली पता होता है आप सबको पता होगा डिप्रेशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना तो नॉर्मली सबको ये लगता है कि जो फर्स्ट वाला केस है दैट इज़ करेंसी डिप्रिसिएशन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है लॉजिकल है अकाउंट्स में ही पड़ा है डिप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स रेसिट यहाँ पे करेंसी हो रहा है एंड ये करेंसी डिप्रिसिएशन है ऐसा लगता है बट एक्चुअली ऐसा है नहीं सो ये है यहाँ पर जो फर्स्ट केस है वो करेंसी डिप्रिसिएशन नहीं है इंस्टेड वो करेंसी अप्रिसिएशन है इसका लॉजिक क्या है ऐसा क्यों है इसका लॉजिक क्या है कि ये मतलब ये चीज़ रिवर्स क्यों काम कर रही है एक्चुअली चीज़ रिवर्स नहीं है बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है लॉजिकल चीज़ है <coughs> इसको समझते हैं पहले था वन डॉलर इक्वल सेवेंटी फाइव अब हो गया है वन डॉलर इक्वल्स रुपीज़ पहले हमें एक डॉलर के लिए सेवेंटी फाइव रुपीज देने पड़ते थे और अब एक डॉलर के लिए सेवनटी रुपीज देने पड़ते हैं तो सोच के देखिए जो रुपीज है वो तो स्ट्रॉगर तो हो गया ना यहां पर जो डेप्रीशियट हुआ है वो डॉलर हुआ है यहाँ पर रुपीज एप्रीशिएट हुआ है हम रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये जो रुपी है वो एप्रीशियट हुआ है कैसे पहले एक डॉलर लेने के लिए सेवनटी फाइव रुपीज देने पड़ते थे अब उसी डॉलर को लेने के लिए सिर्फ सेवनटी रुपीज देने पड़ रहे हैं तो हमें हर डॉलर पे पांच रुपए सेव हो रहे हैं तो ये करेंसी एप्रीशियट हुई है कौन सी करेंसी करंसीट हुई है रुपीज एप्रिशिएट हुई है क्योंकि हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हमेशा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहां पे डोमेस्टिक करेंसी की हम बात दैट इज और वो हुई है एंड वाले केस में जो हमारे इंडियन रुपीज है वो डेप्रिशिएट हुआ है क्यों क्योंकि पहले हमें एक डॉलर के सेवेंटी फाइव रुपीज देने पड़ रहे थे अब हमें उसी डॉलर के एटी रुपीज देने पड़ेंगे तो हमें हर डॉलर पे पांच रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं भाई हमारी करेंसी की वैल्यू और कम हो गई डॉलर स्ट्रांग हो गया तो यहां पर यह डॉलर एप्रिशिएट हुआ है सेकेंड uh, वाले केस में और रुपीज जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि हमें हर डॉलर के लिए पांच रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो जो चीज़ दिखती है वो चीज नॉर्मली यहां पर है नहीं यहां पे लॉजिकली हमें ज्यादा अच्छे से समझ समझना चाहिए ओके okay, सो so अब तक तो हमने दो चीजें सीखी हैं करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रीसी का मीनिंग कि कब करेंसी एप्रिशिएट हो रही है कब करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है नाउ नेक्स्ट हमें जो थर्ड चीज़ समझनी है वो समझनी है कि करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है सो so, इंडिया में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इंडिया से बाहर ट्रेडिंग करते हैं वो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होते हैं सो करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन अगर डोमेस्टिक इंडियन डोमेस्टिक करेंसी जो बेसिकली इंडियन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी होगी हमारे लिए अगर वो डेप्रीशिएट होती है तो क्या होगा और करेंसी अगर एप्रिशिएट होती है तो क्या होगा एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फर्क पड़ेगा और इम्पोर्टर्स के लिए क्या फर्क पड़ेगा नाउ करेंसी डेप्रिसिएशन को एग्जांपल समझते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था लेटेस्ट से करेंसी पहले थी वन डॉलर इक्वल्स रुपीज सेवेंटी फाइव और अब हो गया है वन डॉलर इक्वल्स रुपीज़ एट्टी तो ये करेंसी डिप्रिसिएशन है क्योंकि पहले हम एक डॉलर के सेवेंटी फाइव देने पड़ते थे, थे अब एट्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे उसी डॉलर के लिए नाउ अगर हम एप्रिसिएशन का एग्जांपल हैं तो उसका एग्जांपल है अगर लेट्स वन डॉलर इक्वल्स पहले था रुपीज सेवेंटी फाइव अब हो जाता है वन डॉलर इक्वल्स रुपीज सेवेंटी अब आप एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिएगा आप एक्सपोर्टर हैं मतलब आप इंडिया से बाहर सामान भेजते हैं और आपको फॉरन एक्सचेंज में इनकम मिलती है आपने इंडिया से बाहर सामान भेजा और आपको फॉरेन एक्सचेंज में इनकम मिली

तो आप कहते थे ठीक है एक डॉलर का सामान ठीक है तो आप पहले जब एक डॉलर का सामान बेचते थे आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ मिलते थे क्योंकि एक डॉलर मिलता था उसको बैंक से कन्वर्ट कराते थे, थे तो सेवेंटी फाइव रुपीज़ देता था बैंक आपको अब वही एक डॉलर का जो सामान बेचा हमने एक डॉलर मिला उसी एक डॉलर पर हमें एट्टी रुपीज़ मिल रहे हैं तो यहाँ तो एक्सपोर्टर्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है हर डॉलर पर एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है सो एक्सपोर्टर्स आर हैप्पी एक्सपोर्ट्स देश में बढ़ जाते हैं जब करेंसी डेप्रीशिएट होती है ये yes, ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट expor एक्सपोर्टर्स को पैसा मिल रहा है जिनको पैसा मिल रहा है उनको ज्यादा रुपीज़ मिलेंगे नाउ अगर करेंसी अप्रीशिएट हो जाती है बिल्कुल जस्ट इसका रिवर्स तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या सोचेंगे भाई हम सामान बाहर भेजे थे एक डॉलर का पहले मिलता था सेवनटी फाइव रुपीज एक डॉलर ही मिलता था उसको कन्वर्ट कराते थे तो सेवेंटी फाइव रुपीज़ मिलते थे अब उसी एक डॉलर को कन्वर्ट करा रहे हैं तो सेवेंटी फाइव नहीं सेवेंटी रुपीज़ मिल रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स सोचेंगे यार ये तो हमें नुकसान हो रहा है तो एक्सपोर्टर्स विल बी अनहैप्पी तो यहां पर एक्सपोर्टर्स दुखी हो जाते हैं करेंसी एप्रीसी के टाइम पर एंड जो इंपोर्टर्स हैं ना इंपोर्टर्स व्यू सोचते हैं इंपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इंपोर्टर्स वो होते हैं जो सामान बाहर से मंगवाते हैं और पे करते हैं अब पहले उन्होंने लेट से इंपोर्टर्स ने सामान मंगवाया एक डॉलर का उनको पे करना है एक डॉलर बट उनको बैंक से वो एक डॉलर लेने जाएंगे तो उनको एक डॉलर के सेवेंटी फाइव रुपीज पहले देने पड़ते थे अब देने पड़ेंगे एक डॉलर के एट्टी रुपीज मतलब जो भी वो बाहर से सामान मंगवाएंगे वो सामान महंगा हो गया उनके लिए पहले जो सामान आता था वो एक डॉलर का सामान था, था तो उसके लिए सेवेंटी फाइव देने पड़ते थे अब देने पड़ रहे हैं एट्टी रुपीज तो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स विल बी अनहैप्पी एंड जो इंपोर्टर्स होंगे करेंसी एप्रिसिएशन के टाइम पे वो हैप्पी होंगे क्यों क्योंकि इम्पोर्टर्स को पैसा पे करना पड़ता है पहले उनको एक डॉलर का सेवनटी फाइव रुपीज पे करना पड़ रहा था अब उनको एक डॉलर का कम रुपीज पे करने पड़ेंगे दैट इज इन सो हमने क्या क्या सीखा सबसे पहले सीखा करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मीनिंग या फिर करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग दो चीजें सीखी है देन ये सीखा कि करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स पे क्या फर्क पड़ता है हमने लॉजिक्स समझने की कोशिश करी है यहां पर नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट ओके okay. हमारा टॉपिक है करेंसी डेप्रीशन एंड एप्रिसिएशन वेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है फॉरन करेंसी की टर्म्स में तो वो डेप्रीसिएशन होता है सो वेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी इट इज नोन एज करेंसी डेप्रीसिएशन फॉर एग्जाम्पल अर द रुपी इज सेट टू बी डेप्रीशिएटेड वेन द प्राइस ऑफ वन डॉलर राइजेज फ्रॉम रुपीज सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव नाउ यहां पर दिख रहा है कि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है सो so, यहां पर डॉलर एप्रीशिएट हुआ है बट रुपीज तो डिप्रिशिएटिव हुआ है सो so, इसका लॉजिक क्या है दिस इज करेंसी डेप्रीसीशियली यू नीड टू स्पेंड रुपीज सेवेंटी टू बाई वन डॉलर बट नाउ यू नीड टू स्पेंड रुपीज सेवेंटी फाइव टू बाय डॉलर सो बेसिकली ये इसका लॉजिक है <coughs> अगर वन डॉलर सेवनटी टू सेवनटी फाइव जा रहा है यहाँ पे डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है बट हमें तो 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 के 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 पॉइंट 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 ऑफ़ 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 सोचना है, हम तो कर, आ, हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक करेंसी करेंसी सोचेंगे, एक्सपोर्ट so <coughs> <coughs> uh, पर वेन करेंसी डेप्रिसिएशन अकर्स एक्सपोर्ट्स राइज एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि जैसे हमने था एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होता है करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है सो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बिकॉज एक्सपोर्टर्स विल अर्न मोर इन डोमेस्टिक करेंसी विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स जैसे अगर उन्होंने एक डॉलर का एक्सपोर्ट किया अब उनको एक डॉलर पर सेवेंटी जगह पे सेवेंटी फाइव रुपीज मिलेंगे तो एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होता है और अगर एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे वेन करेंसी डेप्रिसिएशन अकर्स इंपोर्ट्स फॉल फिर इम्पोर्ट्स डिक्रीज इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं क्यों क्योंकि इम्पोर्टर्स विल है सो उनको पहले एक डॉलर के लिए सेवेंटी रुपीज देने पड़ रहे हैं तो इंपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है जैसे उन्होंने समझा भी था एंड इंपोर्ट कम हो जाएंगे ना सेम चीजें एप्रीसिएशन के साथ

तो ये अप्रीसिएशन है इसका लॉजिक क्या है दिस इज करेंसी अप्रीसीिएशन एज वी हैड टू स्पेंड रुपीज सेवेंटी फाइव फॉर वन डॉलर वेयर एज नाउ वी नीड टू स्पेंड जस्ट रुपीज सेवेंटी फॉर द सेम वन डॉलर पहले हमें एक डॉलर के लिए सेवेंटी फाइव रुपीज देने पड़ते थे अब उसी डॉलर के लिए सिर्फ सेवेंटी रुपीज देने पड़ते हैं तो ये करेंसी यह है एंड करेंसी करेंसीशन का एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट भी क्या फर्क पड़ेगा एक्सपोर्ट्स विल फॉल एंड इम्पोर्ट्स विल राइज तो ये हमारा था इसका पूरा ना उसको आप रीड कर सकते हैं एज एक्सपोर्टर्स विल गेट फ्यूअर डोमेस्टिक करेंसी एंड इम्पोर्टर्स विल हैव टू लेस। सो गाइज ये था हमारा टॉपिक नंबर टू इसमें हमने मेनली तीन चीजें सीखी हैं। डेप्रीसिएशन का मीनिंग एप्रिसिएशन का मीनिंग और डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन का क्या इंपैक्ट होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर Now, जो लास्ट वाला पार्ट थर्ड वाला पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको लॉजिकली भी समझ आना चाहिए और इसको बढ़िया इतना बढ़िया समझ आ जाना चाहिए कि आप इसको लिख पाओ सोच पाओ खुद ओके okay, इसका रट्टा मारने से काम नहीं होगा जब भी आपको ऐसे सोचना हो कि एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स uh, और इंपोर्टर्स पर क्या फर्क पड़ता है ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एन एग्जांपल जैसे अभी हमने क्लास में डिस्कस किया आपको हमेशा एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए आप कुछ भी डेपिश का एग्जाम्पल ले लो एपिश एग्जाम्पल लो फिर सोचो ओके सो गाइज दैट वॉज टॉपिक नंबर टू